जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है, बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है और सबका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं। आप बार बार एक ही रोना रोते हैं कि सर और वीडियो कहाँ मिलेगा, और वीडियो कहाँ मिलेगा। तो हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए भी कम से कम, कि बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। अब आप कहिएगा डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, तो सुन लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा नीचे में आपको ऐसा एरो का चिन्ह मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसा चिन्ह आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा होगा जहाँ पर टाइटल वगैरह लिखा है उसके ठीक नीचे। तो आप जो है उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा लिस्ट नीचे खुल के आएगा। वहीं पर आपको, यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं पूरे के पूरे गणित के लिए, पूरे मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा जिससे आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। बाद बाकी जितने भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है या फिर 2022 में जो क्रैश कोर्स चलाया गया था उसका वीडियो है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, ठीक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं 15 वैसे सवाल को लेकर आए हैं, सॉरी 15 नहीं 10 वैसे सवाल को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और सबसे ज्यादा आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आपके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी को लेकर वो खड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपके सामने जो है एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने खड़ा हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम हैं तो फिर डर किस बात का है, गम किस बात का है, थोड़ा सा भी आपको नहीं डर रहा है। एकदम पूरा का पूरा जो आपको दिया गया है या फिर इसके बाद जो दिया जाएगा केवल आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक सवाल का सॉल्यूशन आप कम से कम समय में कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो आज जो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। बनाने का तरीका एकदम अलग लेवल का होगा। आइए सबसे पहला सवाल आपके सामने में है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपको जो है यहां पर दिख रहा होगा, कहता है कि सवाल कहता है कि sec इनवर्स, यहां देखिएगा sec इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस वन और बटा में है रूट अंडर एक्स माइनस वन, ठीक है। इसके बाद आपका है प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन और बटा में रूट अंडर एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन बराबर व्हाट। एक बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जैसे इरिट वगैरह सब कुछ हो गया था, क्वेश्चन वगैरह भी लगा दिया गया था, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ जिसके वजह से जो है जब वीडियो उसका अपलोड किया गया पूरा का पूरा, जब वीडियो रनिंग के बाद जब अपलोड किया गया तो उसमें क्वेश्चन जो है मिस कर गया पूरा का पूरा, ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें आपको क्वेश्चन यहां पर दिखेगा। देखिए यहां पर तो कहता है कि इसका जो है वाई का वैल्यू क्या होगा, सॉरी इसका मान कितना के बराबर होगा। आपको एक बात बताए हैं, बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि तीन ऐसा आपको जोड़ा बताया गया है और इससे ये तीन जोड़ा से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में सवाल पूछा जाता है। एकदम डिफिनिट है कि इन तीनों में से किसी एक पर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल एकदम निश्चित पूछा जाता है, ठीक है। वो तीन जोड़ा क्या क्या है तो देख लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और तीसरा है sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स। अब ये तीन जोड़ा है, ठीक है, इन तीन जोड़ों को हम कैसे समझाए हैं, ऐसे वीडियो में तो वहां समझा ही दिए हैं, यहां एक बार और समझा देते हैं।
कि यदि साइन इनवर्स में हो कॉस भी इनवर्स में हो और दोनों का मान यदि समान हो, ये वाला वैल्यू यदि दोनों का बराबर है, यदि दोनों का मान बराबर है तो उसका योगफल जो है पाई बाई टू के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि टेन इनवर्स के रूप में हो, कॉट भी इनवर्स के रूप में हो और यदि दोनों का मान बराबर है, ये वाला दोनों का यदि बराबर है तो उसका योगफल जो है हमेशा पाई बाई टू के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर यहाँ देखिएगा, सेक इनवर्स के रूप में हो और कॉसेक भी इनवर्स के रूप में हो और यदि दोनों का मान बराबर है, ठीक है, दोनों का मान यदि बराबर है तो इसका योगफल जो है आपका पाई बाई टू के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, इसका पाई बाई टू के बराबर होगा। ये तीन जोड़ा आपको बताया गया और इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। दूसरा आपको यह भी बताए हैं कि यदि साइन इनवर्स के रूप में रहे, ठीक है, साइन इनवर्स के रूप में रहे और यदि आप इसको बदलना चाह रहे हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, यदि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 2/3, ठीक है, और आप इसको जब चेंज कीजिएगा, मान नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा, ऊपर वाला को नीचे ले आइएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 3/2 ना। यदि साइन इनवर्स के ये वाला जो वैल्यू है इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा और यदि कॉसेक वाला को चेंज करेंगे तो साइन बन जाएगा, यदि कॉस को चेंज करेंगे तो सेक बन जाएगा और यदि सेक इनवर्स को चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, यदि टेन इनवर्स को पलट देंगे, हाँ ये वाला चेंज करने का मतलब पलट देना, ठीक है, यदि टेन इनवर्स वाला को पलट देंगे तो कॉट इनवर्स बन जाएगा और यदि कॉट इनवर्स वाला को पलट देंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले भी बताया गया है लेकिन एक बार और हम आपको रिकैप करा दिए हैं। अब आइए इसी के आधार पर जब भी कोई सवाल आपसे पूछा जाए इस टाइप का तो उसका सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए यहां से कहना तो इसको आप ये लिख सकते हैं क्या, यदि आप इसको पलट देते हैं, ठीक है, यदि सेक को आप पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका सेक को पलटेंगे तो कॉस बन जाएगा, यानी कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बटा में रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। अब प्लस यहां पहले से आपको दिख रहा है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन और बटा में रूट एक्स प्लस वन, अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि साइन इनवर्स में हो और कॉस भी इनवर्स में हो और दोनों का मान यदि बराबर हो, दोनों का मान यदि बराबर हो तो इसका योगफल जो होगा पाई बाई टू के बराबर होगा, इसका योगफल कितना के बराबर होगा, पाई बाई टू के बराबर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई टू के बराबर। अब आप कहेंगे कि सर एक सवाल के लिए इतना वक्त लगा दिए, वाकई में एक सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, आप यदि देखेंगे तो ये एक सवाल नहीं है, ये लगभग 15-20 सवाल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि जब भी एक पूरा का पूरा टाइप आपका खत्म हो गया है कि जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो आपको जो है आंसर वही बताना है, ठीक है, हाँ उसी तरीके से चेंज करना है या उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है और आंसर जो है इसी टाइप से आपका आएगा। अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, इधर सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, अच्छा यहां देखिएगा अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा में 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, आपको बताए हैं कि यहां पर जो मान आपका होना चाहिए ये वाला कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो, सॉरी ये जो है अपने ये अपने रेंज में होना चाहिए, नहीं, और इसका रेंज होता है 0 से लेकर π तक, ठीक है, 0 से लेकर π तक, तो यदि 0 से π तक होता है तो यहां देखिए पाई से ज्यादा है ना, ये पाई से ज्यादा है, यदि 7 में 6 से भाग देंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 का मतलब यदि उसमें पाई लगाएंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको अपने रेंज में लाना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखेंगे कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, यही तो लिखेंगे ना, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कॉस इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कितना हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश ना, तो तृतीय चतुर्थांश में जो है टेन और कॉट को प्लस में रखा जाता है, यह आपका हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6। एक बात और हम आपको बताए हैं,
कि यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल है, ठीक है, यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल है तो माइनस हटाना है पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है पाई में से घटाना है। तो जैसे ही पाई में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बटा सिक्स घटाना होगा ना, सिक्स पाई में से पाई घट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइव पाई बाई सिक्स के बराबर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल ऊपर में दिया गया है, सवाल है कि साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, तो एक्स का मान क्या होगा, बड़ी ही अलग लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो एक्स का मान क्या होगा। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको जो है क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करना है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, तो बड़ी आसान चीज है, हाँ बहुत ही सिंपल है हीट एंड ट्रायल मेथड, आप उसका प्रयोग कीजिए और सवाल को बहुत जल्दी बना लीजिए, बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट एकदम, हाँ 100% सही आप सवाल बनाएंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, नीचे चार को ऑप्शन तो आपको देगा ना, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ए में ऑप्शन दिया गया है 0, 1/2 और बी में आपका जो ऑप्शन दिया गया है, बी में ऑप्शन दिया गया है 1, 1/2, सी में ऑप्शन दिया गया है, सी में दिया गया है ऑप्शन 1/2 और डी में ऑप्शन दिया गया है 0, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। अब जब चार ऑप्शन आपके पास है तो इन्हीं चारों में से कोई एक इसका आंसर होगा, ऐसे सोचिए, हीट एंड ट्रायल मेथड में ऐसे सोचना है कि एक्स के जगह पर यह चारों में से यदि कोई रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब चारों में यदि देखिएगा तो कई गो अंक आपको दिख रहा है, एगो 0 दिख रहा है, एगो 1 दिख रहा है, एगो 1/2 दिख रहा है, माने तीन गो तो अंक यहां पर दिख रहा है, बस यही आपको तीन अंक जो है बारी बारी से एक्स के जगह पर रख लेना है, रखने पर यदि पाई बाई टू के बराबर आ जाए तो एक्स का वही मान इसके लिए सही होगा। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, माने हिट करके ट्रायल करके देखते हैं कि कौन जो है हिट कर रहा है, ट्रायल करके देखते हैं कि कौन इसमें हिट कर जाता है, जो हिट कर गया वही इसका आंसर हो गया, बात खत्म हो गया, देख लीजिए। हाँ तो सबसे पहले एक्स के जगह पर हम 0 रखना चाहेंगे और 0 रखकर चेक करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। देखिए एक में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 1, और साइन में 1 कितना का मान होता है, पाई बाई 2 का मान, माइनस 2 गुने साइन में 0 कितना का मान होता है, 0 का, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 तो बच गया पाई बाई 2, यानी एक्स के जगह पर 0 रखने से ये जो है आपका पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें एक और लफड़ा आ गया, ऐसे तो इसका डी आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि 0 के साथ साथ 1/2 भी चेक करके देखिए ना, कहीं ये आ रहा होगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब एक्स के जगह पर 1/2 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहां पर साइन इनवर्स एक में से आधा घटेगा तो आधा यानी 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन में 1/2 कितना का मान होता है, 30 का मान, यानी पाई बाई 6 का मान, माइनस 2 गुने फिर साइन में 1/2 कितना का मान होता है, 30 का मान, यानी पाई बाई 6 का मान, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6 माइनस, कट गया 3 बार पाई बाई 3। अब बताइए कि 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा तो माइनस 30 डिग्री है, हमको चाहिए जबकि 90 डिग्री, यानी 1/2 इसका आंसर नहीं होगा। तो जब 1/2 नहीं होगा तो देख लीजिए आप कैसे कैसे काटना है, इसमें भी 1/2 लगल है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, 1/2 इसमें भी लगल है, ये भी नहीं होगा, 0 के साथ 1/2 लगल है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 के बराबर। अब देखिए हमको समझाने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, आपको जब हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो जरूर लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा बेहतर समझा पाएं, ठीक है, और जब आप समझ लीजिएगा तो आपको बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। बड़ी सिंपल सवाल एक यहां पर आ गया है कि साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। ऐसे सवाल तो सिंपल जरूर है लेकिन इसका पूरा का पूरा जो है एक जत्था चलता है सवाल का। हाँ, इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए साइन इनवर्स कितना है, रूट थ्री बाई टू। यस, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। और ये सवाल हम आपको पहले भी बता दिए हैं लेकिन ऐसे सामने आ गया तो एक बार और हम आपको बता देना चाहेंगे कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो उसको साधारण तरीके से बनाना है। ऐसे सोचना है कि साइन में रूट तीन बटा दो कितना का मान। सवाल आपके मन में जैसे ही ऐसा उठेगा आंसर भी आपके मन में आ जाएगा कि साइन में रूट तीन बटा दो कितना का मान, तो आप कहेंगे कि साइन में रूट तीन बटा दो 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बाई थ्री का मान होता है। ठीक है, पाई बाई थ्री का मान होता है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट माइनस वाला भी आपको बता दिए हैं, प्लस वाला भी आपको बता दिए हैं, समझ में आ रहा है। चलिए, सवाल है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, जबकि नीचे चार ऑप्शन दिया गया है। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, अब नीचे चार ऑप्शन है आपका। ऑप्शन है कि कॉट इनवर्स एक्स होगा, वन बटा में कॉट इनवर्स एक्स होगा, या कॉसेक इनवर्स वन बटा एक्स होगा, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ये चार ऑप्शन आपके पास है। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, आपको अभी जस्ट बताए हैं कि इसके बटा में यदि कुछ नहीं है, ठीक है, इसके बटा में यदि कुछ नहीं है तो एक है। यदि आप इसको पलट देते हैं, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, तो साइन बन जाता है कॉसेक, यानी ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स वन बटा एक्स, कॉसेक इनवर्स वन बटा एक्स। यदि ऐसा आ जाए कॉस इनवर्स, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका हो जाएगा आपका सेक इनवर्स वन बटा एक्स। ठीक है, देखिए इसको उलटिएगा तो ई आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यदि आप इसको उलट दीजिएगा तो ई आ जाएगा, और यदि इसको उलट दीजिएगा तो ई आ जाएगा, माने दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आप देख सकते हैं ठीक से। इसके बाद एक और है इसी का कि टैन इनवर्स एक्स बटा एक बराबर कॉट इनवर्स वन बटा एक्स। चेक कर सकते हैं, इसको उलटने से ही आ रहा है और इसको उलटने से ही आ रहा है ना, तो ऐसा जोड़ा हमेशा जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में ऐसे सवाल। ठीक है ना, ये उलटने वाला, तो आप या तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपको ऐसा दे देगा, अन्यथा इसके जगह पर कोई मान रखकर आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए क्या लिख दे कि कॉस इनवर्स थ्री बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं आप सेक इनवर्स दो बटा तीन, हो गया बात खत्म। ये जो आपको दिख रहा है इसको यदि पलट दीजिएगा तो कॉस सेक में बदल जाएगा, नहीं। हाँ चलिए, अगला सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा, इधर पहले इसको मिटा लेते हैं अच्छा से। सवाल आपको ऐसे ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट से, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। इसमें है क्या कि थोड़ा सा जब हम इसके इसका डिटेल वाला सिलेबस लेकर आते हैं तो आप लोग उतना अच्छा से रुचि नहीं मतलब लगाते हैं उसमें। रीजन यही है कि हमको मजबूरी में केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, जब इसका हम पूरा थोड़ो सिलेबस लेकर आते हैं आपके सामने, पूरा डिटेल जानकारी आपके सामने लेकर आते हैं, तो अभी का अभी के बच्चों में क्या है कि पूरा देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसका क्विक उसको चाहिए, तो क्विक चाहिए तो क्विक लीजिए। और यदि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन आप चाहते हैं पूरा का पूरा, कि हमको पूरा गणित चाहिए बेहतर, तो आपको हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ जाना है। एप्लीकेशन पर बहुत ही मामूली सा रकम रखा गया है, बहुत सिंपल एकदम साधारण सा, मात्र 799 रुपया पूरा एक साल, आप सोच के देख लीजिए, जिसमें आपको एनसीआरटी और केसी सिन्हा के साथ साथ भारती वन का भी किताब उसमें दिया जा रहा है, उसका भी क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो एक अलग टाइप से जो है आपको दिया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं, और वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है, वीडियो टोटल रिकॉर्डेड फॉर्म में है और वही वीडियो वहां पर अवेलेबल कराया गया है जो यहां पर ऑफलाइन क्लास में चलता है, यानी बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग होगी, लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए, सवाल आपका है कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, इतना के बराबर में क्या होगा, यह सवाल है आपका, देख लीजिए। अब इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए क्या करना है, बड़ी सिंपल है, अभी आपको शुरू शुरू में ही बताए हैं
कि sec inverse x plus cosec inverse x बराबर क्या होता है पाई बाई टू, तो सीधा हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई बाई टू। पाई बाई टू माने 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है एक के बराबर, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है एक के बराबर। अगला सवाल आपका है कि cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऐसे आपको बता दे कि 2 tan inverse x के कुल मिलाकर तीन फॉर्मूला है, ठीक है, एक साइन वाला है, एक कॉस वाला है, एक टेन वाला है। तो 2 tan inverse x का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले यदि हम बात करें साइन में, तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस की यदि बात करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि टेन की बात करेंगे तो टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर तीन फॉर्मूला है, ठीक है। अभी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहां से चेक कर लीजिए ना क्या होगा, ये भी कहेगा तो यो यह होगा और ये भी कहेगा तो यो यही होगा, ठीक है। यानी 2 tan inverse x का जो होता है तीन फॉर्मूला है, sin inverse 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan inverse 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। समझ में आ गया, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। सवाल आपका है कि साइन कॉट इनवर्स एक्स के लिए बीजीय व्यंजक, साइन कॉट इनवर्स एक्स के लिए बीजीय व्यंजक आपको जो है पूछा जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। साइन कॉट इनवर्स एक्स, यहां ध्यान से देखिएगा, साइन कॉट इनवर्स एक्स के लिए बीजीय व्यंजक आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताए हैं कि जो बाहर में है वही अंदर में चाहिए, यदि बाहर में साइन है तो अंदर में भी हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए इनवर्स के रूप में, एगो इनवर्स वाला एगो बिना इनवर्स वाला, ठीक है, एक इनवर्स वाला चाहिए और एक बिना इनवर्स वाला चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन इनवर्स चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन, अच्छा यहां कॉट है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, तो उल्टा कर देंगे यानी आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। बाहर में है साइन तो अंदर में भी क्या चाहिए आपको साइन, यानी कॉट से साइन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह तो एक लिखल है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी एक के स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक होगा और प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखिएगा साइन इनवर्स से साइन तो क्या हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसके लिए बीजीय व्यंजक आ जाएगा आपका रूट वन बटा में रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि टेन इनवर्स एक प्लस कॉट इनवर्स वन बाई टू प्लस कॉट इनवर्स वन बाई थ्री का मान क्या होगा। चलिए देखिए सवाल, अगला क्वेश्चन आपका है टेन इनवर्स एक प्लस, देखिए यहां पर टेन इनवर्स एक प्लस कॉट इनवर्स टू प्लस सॉरी वन बाई टू प्लस कॉट इनवर्स वन बाई थ्री, हाँ इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि कितना के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं है, टेन इनवर्स एक को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, टेन इनवर्स एक प्लस कॉट का ऐसे फॉर्मूला आप लगाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको टेन में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको बदलना है ना सिर्फ, तो दो बटा एक लिखेंगे यानी दो प्लस, इसको चेंज करेंगे तो टेन हो जाएगा, यानी हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री, ठीक है। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, यहां भी बटा में है एक, ठीक है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन प्लस, देखिए जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की बात आए तो नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना प्लस, इधर वाला को इधर वाला से गुना है ना, होगा तीन एक आई तीन, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक है। इसके बाद दोनों को आपस में गुना करेंगे तो दो बट्टा एक अगुने तीन बट्टा एक, यानी हो जाएगा आपका छः बट्टा एक, ऊपर वाला को नीचे से घटा लेंगे यानी एक में से छः घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाँच, ये पाँच से ये पाँच कट गया, यहाँ हो जाएगा आपका
टेन इनवर्स वन और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना, और टेन इनवर्स के अंदर में माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स वन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टेन वर्स वन प्लस में टेन वर्स वन माइनस में कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, देख सकते हैं आप, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला है कि कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, देखिए कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, ऐसे तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है थ्री कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, थ्री कॉस इनवर्स एक्स का, ऐसे जो है आपको आज का जो 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये काफी अलग लेवल के क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है हर रोज ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा दोपहर के 2 बजे। अभी जो 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था, इसके पीछे का रीजन है कि इंटरनेट, जो कि आपको पहले ही मालूम है कि इंटरनेट का काफी बड़ा इशू चल रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, जिसके वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। और एक चीज और है कि कल जो है खूब तेज बारिश हुई थी, तब तो जब ऐसे मौसम ठीक रहता है तब जाके प्रॉब्लम है, तो बारिश में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी किस कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं ये सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, यदि आप फील कर रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे उन चीजों को। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, बस मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती है। बस इसी चीज को अपने मन में रखते हुए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, बस फल आप लोग के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।